हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, IKGPTU IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका मेन कैंपस जालंधर में है और जालंधर में ही लोकेटेड है। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे, क्योंकि इससे पहले एक एडमिशन प्रोसेस पर वीडियो बनाया था, इससे पहले जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है तो यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है, उसके लिए वीडियो बनाया था, जिसमें आपको जहाँ से बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था, स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बता दीजिए, पूरा एक डिटेल में ब्रीफ कर दीजिए कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है और इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लेसमेंट क्या है, एडमिशन मोड क्या है, कितने कैंपस हैं, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कैंपस में नहीं लेना चाहिए, तो वो कंप्लीट इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या होती है, जैसे आपका अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर RTU है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में आपका AKTU है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से पंजाब में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आपको PTU से बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, काफी सारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। कितने कॉलेजेस हैं ये हम जान लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। तो आपको बेसिकली इसमें आप मेन कैंपस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इनके अच्छे वाले कैंपस हैं, मेन कैंपस हैं। तो PTU से आपको टोटल 221 कॉलेज यहाँ से अफिलेटेड हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंडर में 187 कोर्सेज रन होते हैं, 35,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और 500 प्लस स्टूडेंट्स जो है रिसर्च पब्लिकेशन यहाँ पे इस कॉलेज में है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या JEE स्कोर का JEE से क्या लेना देना, और JEE वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऑप्शन एक रखना चाहिए, या कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने JEE नहीं दिया या JEE में आपकी कम परसेंटाइल है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कैंपस हैं जो आप अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं और इनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पर किसी भी बच्चे को सबको एडमिशन मिल जाएगा। पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वैसे काफी सारे कैंपस हैं, लेकिन जो चार इनके मेन कैंपस हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अमृतसर कैंपस, होशियारपुर कैंपस, मोहाली 1 कैंपस, मोहाली 2 कैंपस, और एक इनका जो है मेन कैंपस है। तो टोटल आप ये 4 से 5 जो कैंपस हैं ये गवर्नमेंट इनके कोर कैंपस हैं, ये मेन कैंपस में कंसीडर होते हैं। अब यहाँ पर जो बीटेक का एडमिशन प्रोसेस होता है वो किस मोड में होता है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो बीटेक का एडमिशन प्रोसेस होता है वो JEE के बेस पे होता है। एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग कंडक्ट होती है जिसमें सब जगह से बच्चे अप्लाई करते हैं, उसके बाद वहां से बच्चों को अलॉटमेंट मिलती है उनके मेरिट के बेसिस पे कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, फिर उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं मेरिट प्रिपेयर किया जाता है, फिर यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। क्या आपको यहाँ पर 10+2 के बेस पे भी एडमिशन मिल सकता है? जी हाँ, यहाँ पर 10+2 के बेस पे भी एडमिशन मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं 85% जो है, जो मेजरली जो जनरेशन है वो पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए, 15% आपके अदर स्टेट कैंडिडेट्स आते हैं। साथ में 10+2 के बेस पे जो एडमिशन है वो काफी कट ऑफ वगैरह आपकी काफी हाई जाती है। JEE के बेस पे भी आपको 90+ परसेंटाइल पे लास्ट ईयर काफी बच्चों को यहाँ पे CS प्रोवाइड हुआ था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको 60, 65 या 70 परसेंटाइल पे भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने के ऑप्शन रहते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कैसे करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन कितना वैकेंट सीट यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कब कंडक्ट हो रही है और कौन कौन से राउंड में कैसे। तो लगभग यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स का मेन कैंपस में और अमृतसर कैंपस में अलॉटमेंट कराया गया था। इनके चार जो मेन कैंपस है मैं वो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उनमें एडमिशन के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कई एफिलेटेड कॉलेज हैं जो PTU के अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे कैंपस में कंसीडर होते हैं, तो आप उसको भी, उनको भी ऑप्शन बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो मेन चार कैंपस है आपका, एक आपका PTU का मेन कैंपस जो जालंधर कैंपस है, उसके बाद सेकंड कैंपस जो है जो आपका अमृतसर कैंपस है, और होशियारपुर कैंपस और मोहाली कैंपस। तो ये 4-5 जो है मेन कैंपस है, इनको आप ऑप्शन बना सकते हैं। फिलहाल अगर किसी भी स्टूडेंट के परसेंटाइल कम है और आप इंटरेस्टेड नहीं कि सर मेरे को अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ना है, ठीक ठाक कॉलेज में पढ़ना है, तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज के तौर पे ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपकी काफी अफोर्डेबल मिलेगी, 80,000 पर ईयर फीस रहती है यहाँ पे, 40,000 पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। और अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी है तो, हालांकि ये इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ज्यादातर जगह पे कहीं पे भी लगभग स्कॉलरशिप वाला कोई फंडा नहीं होता है, स्कॉलरशिप कहीं पे भी ऑफर नहीं होती एडमिशन टाइम पे, लेकिन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अगर आपके 10+2 में और एकेडमिक्स आपकी बढ़िया है तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। तो कई सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराया गया था, तो जिससे आपकी जो फी होती है वो काफी अफोर्डेबल हो जाती है और आप एक कम बजट में अच्छा सा बीटेक करके पास आउट हो पाते हो। अगर हम कुछ एलुमनाइज की बात कर लेते हैं, एलुमनाई यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो एलुमनाई यहाँ पर काफी अच्छे नेम, आप बड़े बड़े नाम आपको मिल जाएंगे, कुछ स्टार्स भी हैं पंजाब, स्पेशली पंजाब का कल्चर थोड़ा सा वैसे भी बहुत अच्छा है, फिल्मी कल्चर टाइप का है। यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला है, इनके बारे में आप सब जानते होंगे, ये भी यहाँ के एलुमनाई है। दीपिका सिंह यहाँ की एलुमनाई है। धर्मेंद्र सर के बारे में सारे लोग जानते हैं, भारती सिंह कॉमेडियन है, इनके बारे में सारे लोग जानते हैं, ये सारे लोग पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के ही एलुमनाई है। आप ये मोहना सिंह को भी जानते होंगे, मोहना सिंह ये भी है, नवदीप असीजा ये भी आपके हैं,
तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर एलुमिनाई के तौर पे आप देख सकते हैं। तो पंजाब टेक्निकल का जो मेन कैंपस अमृतसर कैंपस और जो मेजर जो गवर्नमेंट कैंपस है उनमें आप ऑप्शन बना सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कुछ भी आप एडमिशन प्रोसेस में हेल्प चाहते हैं, बहुत सारे लास्ट ईयर बच्चों का जो सपोर्ट किया गया है और वो आप आज करेंटली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपको पूरा कंप्लीटली गाइड किया जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोसेस होगा और आपको 100% गारंटीड अलॉटमेंट कैसे मिलेगी, उसके लिए भी पूरा हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। और भी आपको कोई डाउट या क्वेरी हो, अगर आप प्लेसमेंट के लिए, मैं बताना भूल गया आपको प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है। प्लेसमेंट यहाँ पे लगभग आप एवरेज 4.5 से 5 लाख के अराउंड आपको एवरेज पैकेज मिल जाती है मेन कैंपस में, और लगभग 4 से 4.5 आपको अदर कैंपस में भी प्लेसमेंट मिल जाती है। तो प्लेसमेंट आपकी एवरेज ही रहेगी, बहुत ज्यादा हाई फाई प्लेसमेंट आपको नहीं एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं तो कंपनीज यहाँ पर जो सब जगह पे जो कंपनियां जाती हैं वो कंपनियां इधर यहाँ पे भी आती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क करेंगे देन आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छे पैकेजेस भी बच्चों के यहाँ से हुए हैं, अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे पैकेजेस भी लेते हैं। जो भी जेई में आपका स्कोर है कम है या ज्यादा है, जो भी है, आप उसके लिए एक बार डिस्कस भी करें, हमारी टीम के साथ बात करें, आपको और भी अच्छे ऑप्शन बताएंगे और भी डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग के थ्रू आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।